मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं एमएससी तथा बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक जियोलॉजी से संबंधित मिनरल डिपॉजिट फॉर्मेशन के जो प्रोसेसेस हैं उनमें से महत्वपूर्ण ऑक्सीडेशन एंड सुपरजिन एनरिचमेंट प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। ऑक्सीडेशन एंड सुपरजिन एनरिचमेंट प्रोसेस के द्वारा किस प्रकार से खनिजों का निक्षेपण होता है, मिनरल डिपॉजिट किस प्रकार से बनते हैं, उसके बारे में इस व्याख्यान में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले इस प्रोसेस ऑक्सीडेशन सुपरजिन एनरिचमेंट, जिसमें कि सुपरजिन सल्फाइड डिपॉजिट्स के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। इवांस ने जो इसकी डेफिनेशन दी, लीचिंग ऑफ वैल्यूएबल एलिमेंट्स फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स एंड देयर प्रेसिपिटेशन एट डेप्थ टू प्रोड्यूस हायर कंसंट्रेशंस। यानी जो पहले से ही पूर्व निर्मित कोई अगर मिनरल डिपॉजिट हैं तो उसमें से, उसके ऊपरी भाग में से वैल्यूएबल एलिमेंट्स का लीचिंग होकर नीचे जाना और डेप्थ में नीचे जाकर प्रेसिपिटेट होकर उनका हायर कंसंट्रेशन में निक्षेपण हो जाना। तो दिस इज व्हाट इवान सेड इन हिज डेफिनेशन, दैट लीचिंग ऑफ वैल्यूएबल एलिमेंट्स फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स एंड देयर प्रेसिपिटेशन एट डेप्थ टू प्रोड्यूस हायर कंसंट्रेशंस। गिल्बर्ट और पार्क ने जो डेफिनेशन दी उनके अनुसार सुपरजीन एनरिचमेंट अकर्स व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स डिजोल्व मेटल आयंस फ्रॉम द प्रोटोर एंड रीडिपोजिटेड इट इन मोर रिड्यूसिंग बेसिक एरियाज एट द वाटर टेबल। दिस रिजल्ट इन एन ऑक्सीडाइज जोन ऑन टॉप दैट इज कॉल्ड एज गोसांस, ए सुपरजीन जोन बिनेथ एंड द हाइपोजीन प्रोटोर बेनेथ दैट। अर्थात गिल्बर्ट और पार्क ने कहा कि सुपरजिन एनरिचमेंट ऑकर्स व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स डिजोल्व मेटल आयंस फ्रॉम प्रोटोर, यानी जो प्रोटोर क्षेत्र है वहाँ से सुपरजिन एनरिचमेंट की परिस्थितियाँ होती है जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जो हैं वो डिजोल्व मेटल आयंस और उनको रीडिपोजिटेड कर देते हैं ज़्यादा रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में वाटर टेबल के आसपास, और दिस रिजल्ट इन एन ऑक्सीडाइज जोन ऑन टॉप। तो इसके कारण जो सबसे ऊपर का क्षेत्र है उसे हम ऑक्सीडाइज जोन कहते हैं, जिसे गोसान भी कहा जाता है, उसके नीचे सुपरजिन जोन होता है और सुपरजिन जोन के ही नीचे जो है ये हाइपोजिन या प्रोटोर होता है। Now we will discuss about process occurring. When ore deposits are exposed to the oxidation zone, they are weathered and altered with country rocks. तो जो host rock या country rocks हैं उनके साथ, when ore deposits are exposed to oxidation zone, oxidation zone के area में वो expose हो जाते हैं, then they are weathered and altered with the country rock. The surface water oxidized many ore minerals एंड yield solvents that dissolve other minerals. तो जो ऊपर से सरफेस वाटर अवेलेबल होता है वो कई खनिजों को, मिनरल्स को ऑक्सीडाइज करता है और जो सॉल्वेंट बनता है वो नीचे अन्य जो खनिज है उनको भी डिजोल्व करता है। एंड ओवर बॉडी दस बिकम्स ऑक्सीडाइज एंड जनरली लीस्ट ऑफ मैनी ऑफ इट्स वैल्यूएबल मटीरियल्स डाउन टू द ग्राउंड वाटर टेबल। तो इस कारण से पानी के संपर्क में आने के कारण ऑक्सीडाइज जोन में जो ओर बॉडी है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और उनमें से वैल्यूएबल मटेरियल लीच डाउन होकर नीचे की ओर ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जाता है और टू ए डेप्थ वेयर ऑक्सीडेशन कैन नॉट टेक प्लेस, और उसके बियॉन्ड भी
वो नीचे डाउन ट्रिकल होके चला जाता है। एज द कोल्ड डाइल्यूट लीचिंग सॉल्यूशंस ट्रिकल डाउनवर्ड्स दे मे लॉस ए पार्ट और ऑल ऑफ देयर मेटेलिक कंटेंट विद इन द जोन ऑफ ऑक्सीडेशन टू गिव राइज टू ऑक्सीडाइज ओर डिपोजिट्स। तो ये जब डाउन ट्रिकलिंग में नीचे की तरफ सॉल्यूशन के साथ डिजॉल्व मेटेलिक कंटेंट्स मिनरल कंटेंट्स नीचे की ओर जब डाउन ट्रिकल करके जाते हैं तो उनमें से कुछ जो भाग है वो ऑक्सीडेशन क्षेत्र में ऑक्सीडाइज ओर डिपोजिट के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। इफ़ दे पेनिट्रेट द वाटर टेबल देयर मेटेलिक कंटेंट मे बी प्रेसिपिटेड इन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सल्फाइड्स। और अगर ये नीचे जाते हुए वाटर टेबल को भी पेनिट्रेट करके नीचे चले जाते हैं तो फिर सेकेंडरी सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं जिसे हम जोन ऑफ सेकेंडरी और सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट कहते हैं। और उसके नीचे जो तीसरा क्षेत्र होता है उसे हम द लोअर अनअफेक्टेड पार्ट ऑफ द डिपोजिट इज कॉल्ड प्राइमरी और हाइपोजीन डिपोजिट्स। तो सबसे नीचे प्राइमरी हाइपोजीन डिपोजिट, उसके ऊपर सल्फाइड सुपरजीन वाला जो क्षेत्र है जिसे हम सेकेंडरी जोन ऑफ सेकेंडरी या सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट, और उसके ऊपर जो सबसे टॉप में होता है वो जोन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ओर डिपोजिट्स का क्षेत्र होता है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक प्रोफाइल रहती है। डिफरेंट जोन्स कैन बी आइडेंटिफाइड एट डिफरेंट डेप्थ। दीज आर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो सबसे ऊपर गोसान कैप, यहाँ इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम यहाँ इसमें समझाया गया है किस तरह से सबसे नीचे प्राइमरी जोन, उसके बाद ये एनरिच्ड जोन जिसे हम जोन ऑफ सुपरजीन एनरिचमेंट भी बोलते हैं, ये वाटर टेबल के नीचे होता है, और इसके ऊपर यहाँ ये जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, उसके ये लीचिंग वाला पार्ट नीचे डाउन ट्रिकल होता रहता है, और यहाँ टॉप पे गोसान्स मिलते हैं। तो गोसान कैप, गोसान इज इंटेंसली ऑक्सीडाइज वेदर्ड और डिकम्पोज रॉक यूजुअली द अपर एंड एक्सपोज पार्ट ऑफ एन ओर डिपोजिट और मिनरल बीम। उसके बाद लीच्ड जोन, द ग्राउंड वाटर कंटेंस डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एज इट ट्रेवल डाउनवर्ड्स इट लीचेज आउट द मिनरल इन द रॉक टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर सॉल्यूशंस दैट कंटिन्यू मूविंग डाउनवर्ड। तो ये लीचिंग जोन के मार्फत और नीचे की तरफ ट्रिकल डाउन होता है मटीरियल। उसके बाद ऑक्सीडाइज्ड जोन, द रीजन अबव द वाटर टेबल, वाटर टेबल से ऊपर वाला क्षेत्र इन एन ओर डिपोजिट इज नाउन एज ऑक्सीडाइज जोन एज इट इज द जोन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी ओर मिनरल्स। देन वी हैव वाटर टेबल ऑक्सीडाइज जोन के नीचे, एट द वाटर टेबल द एनवायरमेंट चेंजेस फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट टू ए रिड्यूसिंग वन। तो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट शुरू हो जाता है। उसके नीचे एनरिच्ड जोन और सुपरजीन एनरिचमेंट जोन जिसे हम सेकेंडरी जोन भी कहते हैं। इट इज़ द रिचेस्ट पार्ट ऑफ एन ओर डिपोजिट वेयर मेटल्स आर डिपोजिटेड बाई फ्लूड्स परकोलेटिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ऑक्सीडाइज जोन एंड कंसनट्रेटिंग इन नैरो रिड्यूसिंग बैंड जस्ट बिलो द वाटर टेबल। वाटर टेबल के नीचे ऊपर ऑक्सीडाइज जोन से जो नीचे ट्रिकल डाउन होकर लीच्ड आउट होकर नीचे जो मटेरियल आके इकट्ठा होता है हाईली कंसनट्रेटेड, उसे हम एनरिच्ड जोन या सेकेंडरी जोन या सुपरजीन एनरिचमेंट जोन बोलते हैं। और उसके नीचे जो होता है वो प्राइमरी जोन, द प्राइमरी जोन कंटेंस अनअल्टर्ड प्राइमरी मिनरल्स। अब जो केमिकल चेंजेज इन्वॉल्व होते हैं इसमें, देयर आर टू मेन केमिकल चेंजेज विद इन द जोन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन सॉल्यूशन एंड रिमूवल ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स। सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन इन सीटू ऑफ मेटेलिक मिनरल्स इंटू ऑक्सीडाइज कंपाउंड्स। मोस्ट मेटेलिक डिपोजिट्स कंटेन पाइराइट। अब मिनरल अल्ट्रेशंस किस प्रकार से हैं, पायराइट टू सेकेंडरी मेलेंट्राइट, स्पेलराइट टू हेमीमॉर्फाइट, स्मिथसोनाइट एंड मैग्नीस बियरिंग विलेमाइट, गैलेना टू एंग्लेसाइट एंड सेरुसाइट्स, चैल्कोपाराइट रेडिली अल्टर टू बोर्नाइट, कोवेलाइट एंड ब्रोकेंटाइट। तो दीज आर द मिनरल अल्ट्रेशंस इन्वॉल्व। नाउ वी विल डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन एनरिचमेंट। Effects of oxidation on mineral deposits are profound. The minerals are altered and the structure is obliterated. The metallic substances are leached or altered to a new compounds which require different metallurgical treatment for their extraction, unlike that employed
for extraction for unoxidized ore, and the texture and type of deposits are obscured. So these are the effects of oxidation and superthin enrichment. The effects are there for to render barren the upper parts of many ore deposits, to change minerals into more usable or less usable form. Superthin enrichment may add much where there was little. Leaner parts of the vein may be made rich. Unworkable proton may be enriched to the ore grade. Many of the copper districts would not have come into existence except for the process of enrichment. तो इसमें ऑक्सीडेशन एंड सुपरथिन एनरिचमेंट प्रोसेस के द्वारा जो ओरिजिनल मिनरल होता है उसकी जो एनरिचमेंट की वैल्यू है वो एनहेंस हो जाती है. डिपॉजिट्स इन द जोन ऑफ सुपरथिन एनरिचमेंट के बारे में हम चर्चा करें. इन द सुपरथिन जोन यानी जोन ऑफ सेकेंडरी metals are concentrated in a narrow band just below the water table. This is the richest part of an ore deposits. The most common minerals found in the superthin zones are, say for example, copper mein chalcocite, bornite, lead ke bare mein agar baat kare to superthin galena, nickel mein violerite, silver mein acanthite, native silver aur zinc mein superthin sphalerite and burgite. सुपरथिन सल्फाइड एनरिचमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. सरफेस वाटर्स परकोलेटिंग डाउन द आउटक्रॉप ऑफ सल्फाइड ओर बॉडीज ऑक्सीडाइज मेनी ओर मिनरल्स एंड यील्ड सॉल्वेंट्स दैट डिजॉल्व अदर मिनरल्स. पायराइट इज ऑलमोस्ट यूबिक्यूएस इन सल्फाइड डिपॉजिट्स. मिनरल डिपॉजिट्स कंटेनिंग सल्फाइड मिनरल्स स्पेशली कॉपर सल्फाइड्स दैट आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एंड अल्ट्रेशंस. Sulfide minerals are oxidized at the surface and produce sulfuric acid, and acidified rainwater then carries the copper as copper sulfate down to the water table. Below the water table where sulfide minerals remain unoxidized, any iron sulfide grains present will react with the copper sulfate solution, putting iron into the solution and precipitating a copper mineral. This will be the mechanism. The net result is that copper is transformed from the oxidizing upper portion to the deposit to that portion at and just below the water table. Enrichment of porphyry copper deposits in the southwestern United States, Mexico, Peru and Chile is an important factor in making those deposits ore. ये कुछ example आपके साथ साझा किए. Lead, zinc and silver deposits are also subject to the superthin enrichment under conditions of weathering. Superthin enrichment of BIF, banded iron formation. A primary banded iron formation may contain only 25-30% iron by weight, but when subjected to intense weathering and superthin enrichment, portions of the deposit can be enriched to as high as 65% iron. तो आप देखिए लगभग 40-35% जो iron की जो है कंसंट्रेशन वो एनहेंस हो जाती है. सम प्राइमरी BIFs आर नाउ माइंड एंड बेनिफिशिएटेड अंडर द नेम टेक्टोनाइट, बट इन एसेंशियली ऑल ऑफ दीज डिपॉजिट्स माइनिंग एक्चुअली कनेक्टेड कमेंस्ड इन द हाई ग्रेड सुपरथिन एनरिचमेंट जोन. नाउ इन दिस स्लाइड वी शो द डिपॉजिट्स इन द जोन ऑफ ऑक्सीडेशन. When the oxidized zone is well developed and the secondary minerals sufficiently concentrated, it is highly profitable zone to mine as the processing is much cheaper and easier and the metals from concentrated. However, most oxidized zones have been mined because they formed outcrops of easily identifiable gossans. The most common minerals found in oxidized zones are copper ki baat karein to malachite, azurite, chrysocolla. आयरन की बात करें तो गोथाइट और हेमाटाइट. लेड की बात करें तो एंग्लेसाइट, सेरुसाइट. मैंगनीज की बात करें तो पायरोलुसाइट, रोमेनेकाइट. निकल में गैस्पियट और गार्निटराइट. सिल्वर में नेटिव सिल्वर और क्लोरेगाइट. जिंक में करेंगे तो स्मिथसोनाइट. चित्र में यहाँ आपको मेलेकाइट एजुराइट का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है.
तो ये डिपॉजिट्स इन द जोन ऑफ ऑक्सीडेशन. नाउ वी विल डिस्कस डिपॉजिट्स इन द जोन ऑफ सुपरजीन एनरिचमेंट. इन द सुपरजीन जोन मेटल्स आर कंसंट्रेटेड इन ए नैरो बैंड जस्ट बिलो द वाटर टेबल. दिस इज द रिचेस्ट पार्ट ऑफ एन ओर डिपॉजिट बट इन मेनी इंस्टेंसेज इज आइदर ओनली वेरी थिन और नॉट डेवलप्ड एट ऑल. द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन सुपरजीन जोन्स आर कॉपर के बारे में, चेल्कोसाइट, बोर्नाइट, लेड के बारे में सुपरजीन गैलेना, निकल में वायलोराइट, सिल्वर में एकेंथाइट नेटिव सिल्वर, जिंक में सुपरजीन स्पेलराइट और वुडजाइट. यहाँ चेल्कोसाइट का चित्र इसमें स्लाइड में दिखाया गया है. नाउ वी विल शो सम पिक्चर्स, स्कीमेटिक डायग्राम्स, जिसके मार्फत हम इस पूरी ऑक्सीडेशन और सुपरजीन एनरिचमेंट प्रोसेस की जो क्रियाविधि है उसको समझाने का प्रयास करेंगे. इसमें आप देखिए दो चित्र बताए गए हैं. इस चित्र में देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन जोन, फिर ये वाटर टेबल, वाटर टेबल के नीचे ये सुपरजीन एनरिचमेंट जोन और ये नीचे प्राइमरी जोन जो अनअल्टर्ड होता है. तो यहाँ प्राइमरी और सुपरजीन एनरिचमेंट वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ देखिए आप नीचे प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें सल्फाइड ओर्स मिलते हैं. उसके बाद ये वाटर टेबल, वाटर टेबल के ऊपर ये ऑक्सीडाइज जोन वाला क्षेत्र और उसके ऊपर लीचिंग वाला क्षेत्र और लीचिंग के ऊपर ये आयरन कैप और यहाँ गौसान मिलते हैं. इसी का दूसरा रूप यहाँ देखिए आप इस चित्र में, बरसात का पानी नीचे डाउन ट्रिकल होकर जाता है, ऊपर ये गौसान वाला क्षेत्र, फिर ये लीचिंग वाला लीस्ट जोन, फिर वाटर टेबल के ऊपर ये ऑक्सीडाइज जोन और वाटर टेबल के नीचे सुपरजीन जोन और नीचे ये हाइपोजीन और अनअल्टर्ड जो प्राइमरी जोन होता है वो यहाँ दिखाया गया है. इस स्लाइड में भी ऊपर देखिए ये गौसान, उसके बाद लीस्ट जोन, फिर ये ऑक्सीडाइज जोन, फिर ऑक्सीडाइज जोन के नीचे ये एनरिचमेंट जोन आ गया, यहाँ वाटर टेबल आ गई और नीचे ये प्राइमरी मिनरलाइजेशन का प्रोटोर. और कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो यहाँ रिएक्शंस इसमें शो की गई है. यहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग जोन और ये नीचे वाटर टेबल के नीचे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट और उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनका वर्णन किया गया है. यहाँ इस चित्र में जो फील्ड फोटोग्राफ्स हैं उनको स्केमेटिक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है. इसमें ऊपर यहाँ एलुवियल और नीचे ये सुपरजीन एनरिचमेंट का क्षेत्र बताया गया है. यहाँ इसमें मिनरलाइज बीन, ये वाटर सीपेज, यहाँ ये ऑक्सीडाइज जोन, फिर ऑक्सीडाइज जोन के साथ यहाँ ये वाटर टेबल और वाटर टेबल के नीचे ये सुपरजीन सेकेंडरी सल्फाइड एनरिचमेंट और नीचे ये प्राइमरी अनअल्टर्ड हाइपोजीन ओर. तो ये इस तरह से डायग्रामेटिक स्कीमेटिक प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये प्रोसेस समझाया गया है. तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और सुपरजीन एनरिचमेंट प्रोसेस के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार मेटलिक मिनरल्स डिपॉजिट्स बनते हैं और ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में अलग अलग मिनरल डिपॉजिट बनते हैं. वाटर टेबल के ऊपर ऑक्सीडेशन जोन और वाटर टेबल के नीचे सुपरजीन सल्फाइड एनरिचमेंट का जोन. और इस प्रोसेस के माध्यम से जो डिपॉजिट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन वैल्यू कई गुना अधिक बढ़ जाती है. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल डिपॉजिट फॉर्मेशन का प्रोसेस हमने आपके साथ डिस्कस किया. और इस व्याख्यान को बनाने के लिए जो ई कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट पे उपलब्ध है उनमें से कुछ जो कॉपीराइट्स में भी हो सकते हैं उनका हमने इसमें उपयोग किया, क्योंकि ये नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए, आप विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एकेडमिक इंटरेस्ट में बनाया गया है. इसलिए जितने भी फोटोग्राफ जो गूगल सर्च इंजन से लिए गए या जो ई कंटेंट स्लाइड प्लेयर से या स्लाइड शेयर से लिए गए उनको यहाँ ड्यूली एक्नोलेज किया जा रहा है. और ये जो व्याख्यान ऑक्सीडेशन और सुपरजीन एनरिचमेंट प्रोसेस के बारे में आपको दिया गया ये राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है. इसे आप देखें, सुने, समझें, पढ़ें और इसकी पीडीएफ
कन्वर्ट करके आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जा रही है। और इस व्याख्यान से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको असाइनमेंट में दिए गए हैं, उनका उत्तर देने का प्रयास करें और अपने घर बैठे अध्ययन के स्टडी आवर्स को बढ़ाइए, क्योंकि अब कल से MBSU यूनिवर्सिटीज़ की जो थर्ड ईयर की परीक्षाएं हैं वो वापस पुनः शुरू हो रही है। COVID-19 की महामारी के इस दौर में जब तक वैक्सीन नहीं आती है, सतर्क रहें और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका अक्सर तक पालन करें। मास्क लगाकर बाहर निकलें, परीक्षा केंद्र पर आएँ तो मास्क लगाकर आएँ, अपने साथ सैनिटाइज़र लेकर आएँ, 2 गज की जो डिस्टेंस है सोशल डिस्टेंसिंग उसको फॉलो करें, बार बार अपना आपको सैनिटाइज करें, सतर्क रहें और अपनी स्टडी को और मजबूत करते हुए अपने कैरियर निर्माण में जुट जाएं। आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।